हेलो टू ऑल। आज के लेक्चर वीडियो में बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बॉटेनिकल गार्डन के अंदर। बॉटेनिकल गार्डन्स जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले लेक्चर वीडियो में, तो उन बॉटेनिकल गार्डन्स में जो सबसे मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कि क्यू नामक शहर इंग्लैंड में, ठीक है, क्यू एक शहर है कह सकते हैं, तो वहाँ पर ये स्थित है इंग्लैंड में, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे बॉटेनिकल गार्डन्स के अंदर, तो चलिए देख लेते हैं। तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो ये एक वर्ल्ड का मोस्ट फेमस और लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन माना जाता है। अगर बॉटेनिकल गार्डन की अगर बात आती है कि बताइए कि सबसे मोस्ट फेमस या सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि रॉयल बॉटेनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन माना जाता है। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि बॉटेनिकल गार्डन्स का मेन पर्पज़ यही रहता है, रिसर्चेज एंड स्टडी के पर्पज़ से रहता है। साइंटिफिक रिसर्चेज जो होती हैं, या कह सकते हैं प्लांट कलेक्शन, लिविंग स्टेज में इनको प्लांट कलेक्ट करते हैं कह सकते हैं, या उन पर रिसर्च करते हैं, या स्टडी के पर्पज़ से केवल इनका रहता है, मेंटेन करना रहता है। और जो आम तौर पर आपने आस पड़ोस में जितने भी गार्डन्स देखे हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं, वो किसी भी कह सकते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, कह सकते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए वो खास तरीके से प्लांट्स वगैरह लगाकर वहाँ पर सुंदरता बढ़ाने के लिए वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो बिना किसी योजना के वो गार्डन्स बनाए जाते हैं, तो उनको हम इनसे कंपेयर नहीं कर सकते, ये बहुत अलग हटके गार्डन्स होते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं। तो यहाँ पर रॉयल बॉटेनिकल गार्डन्स की हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कैसे, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, किसने क्या इसको इस्टेब्लिश किया था, किस तरीके से इस्टेब्लिश किया था। तो मैंने कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, तो लिखा है कराइए वर्ल्ड का मोस्ट फेमस लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है। तो ये वर्ल्ड का यानी संसार का सबसे मोस्ट फेमस कह सकते हैं और लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन माना जाता है, जिसे सर हेनरी कैपल नाम के जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, ठीक है, सर हेनरी कैपल नामक हॉर्टिकल्चरिस्ट ने एक प्राइवेट गार्डन के रूप में स्थापित किया था, यानी इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि हेनरी कैपल साहब ने, जो कि एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ही एक प्राइवेट गार्डन के रूप में, यानी जो क्यू गार्डन है उसको इस्टेब्लिश किया था सबसे पहले, ठीक है। जिसे बाद में प्रिंसेस अगस्ता नाम की जो प्रिंसेस हैं, जो कि वॉल्स की प्रिंसेस कही जाती हैं, ठीक है, वहीं पर प्रिंसेस हुआ करती थी पहले, बहुत पहले की बात है। तो प्रिंसेस अगस्ता ने रॉयल बॉटेनिक के रूप में, यानी इसी गार्डन को रॉयल बॉटेनिक नाम दिया कह सकते हैं, रॉयल बॉटेनिक के रूप में डेवलप किया, ठीक है, जो कि ये जो प्रिंसेस अगस्ता है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है प्रिंसेस ऑफ वॉल्स, ठीक है, ये वॉल्स की जो वहाँ पर कुछ प्लेस वगैरह था तो वहीं की ये प्रिंसेस हुआ करती थी। तो इन्होंने रॉयल बॉटेनिक के रूप में इसको डेवलप किया था सबसे पहले हेनरी कैपल के बाद में, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट गार्डन चला रहे थे उसी गार्डन को। उसके बाद क्या, देखिए अगला पॉइंट क्या करा, प्रिंसेस की डेथ के बाद, यानी जो प्रिंसेस अगस्ता हैं इनकी डेथ के बाद बात कर रहा है, करा प्रिंसेस की डेथ के बाद उनके सन जॉर्ज 3, देखिए अलग अलग बहुत सारे जॉर्ज नाम के अलग 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 लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्ज 3 यहाँ पर याद रखना है आपको कि जिन्होंने डेवलप किया था इस गार्डन को। तो प्रिंसेस की डेथ के बाद उनके सन जॉर्ज 3 ने, ठीक है, यानी इससे पहले बहुत सारे जॉर्ज नाम के व्यक्ति आए हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने लिखा है जॉर्ज 3, मतलब ये तीसरे नाम के हैं कह सकते हैं, जॉर्ज नाम के हैं, तो यहाँ पर जॉर्ज 3 मैंने लिख दिया जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपका, ठीक है। तो लिखा है कि प्रिंसेस की डेथ के बाद उनके सन जॉर्ज 3 ने डेवलप किया, यानी इस गार्डन को डेवलप किया, विकसित किया, ठीक। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कारण 19वीं सदी के प्रारंभ में, यानी 19th century, ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ में इसे स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया था, यानी इन लोगों के बाद में 19वीं सदी जब आई तो उसके स्टार्टिंग में इसको स्टेट गवर्नमेंट, जो भी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स थी, ठीक है, उनको ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था गार्डन। और विलियम जैक्सन हुकर, ठीक है, जिनको हम लोग शॉर्ट में WJ हुकर कहते हैं, ठीक है, जो कि बेंथम एंड हुकर साहब का जो मैंने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कि हुकर साहब हैं उनके ये पिताजी हैं कह सकते हैं, ठीक है, ये पिताजी हैं उनके। तो विलियम जैक्सन हुकर
को उसका डायरेक्टर बना दिया गया, यानी जो विलियम जैक्सन हुकर यानी WJ हुकर हैं उनको यहाँ पर इनको डायरेक्टर बना दिया गया था जब स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और इनको क्या बना दिया गया, डायरेक्टर बना दिया, जिन्होंने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया, यानी इस गार्डन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और अप्रोक्स इसको 250 एकड़ में डेवलप कर दिया, ठीक है, लिखा भी है मैंने, और अप्रोक्स 250 एकड़ में इसको डेवलप कर दिया, यानी तरह तरह की चीज़ें वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश की, स्थापित की, जैसे कि ग्रीन हाउस हो गया आपका, यानी ग्रीन ग्लास हाउस कैसा कह सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हाउस वहाँ पर क्रिएट किए ग्लास के बने हुए, जिसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करा रहे थे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस, फार्म हाउस एंड लेक्स, हार्बेरियम्स, लाइब्रेरीज इत्यादि बनाई और पब्लिकेशन भी प्रारंभ कराया। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जब इनको डायरेक्टर बना दिया गया, ठीक है, डायरेक्टर बना दिया गया, और इन्होंने इसको 250 एकड़ में डेवलप किया और इसके अंदर ग्रीन हाउसेस, पाल्म हाउसेस, लेक्स, हर्बेरियम भी स्थापित किया। जैसे अगर हम बात भी करें हर्बेरियम की, तो सबसे बड़ा हर्बेरियम इसी बॉटेनिकल गार्डन में यानी क्यू गार्डन के अंदर स्थापित किया गया है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव पर्पस से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्बेरियम बनाई गई, लाइब्रेरीज वहाँ पर बनाई गई, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई, रिक्रिएशनल कह सकते हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी दी गई कह सकते हैं, और पब्लिकेशन भी प्रारंभ कराया जिसमें कि बुक्स वगैरह भी पब्लिश हो रही थी उनकी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1865 में, 1865 में WJ हुकर की डेथ के बाद, यानी 1865 में जब जो WJ हुकर साहब थे उनकी डेथ के बाद उनके जो सन थे जोसेफ डाल्टन हुकर, जिन्होंने आपने मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बेंथम एंड हुकर साहब का क्लासिफिकेशन दिया है, तो वही ये डाल्टन हुकर साहब हैं जिन्होंने साथ में मिलकर बेंथम साहब के साथ में मिलकर जो है एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था सीडेड प्लांट को लेकर, ठीक है। तो 1865 में WJ हुकर की डेथ के बाद उनके सन जोसेफ डाल्टन हुकर यानी JD हुकर ने डायरेक्टरशिप संभाली, यानी जो डायरेक्टरशिप थी इस गार्डन की कह सकते हैं, तो उनके बाद में जोसेफ साहब ने यानी जोसेफ डाल्टन हुकर साहब ने ये डायरेक्टरशिप संभाली, और फेमस जॉर्डन लाइब्रेरी जो कि एक फेमस लाइब्रेरी मानी जाती है, एक कह सकते हैं लैब मानी जाती है कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलर लैब मानी जाती है, जो कि इन्होंने ही इसको इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था कह सकते हैं। तो कह रहा है कि और फेमस जॉर्डन लाइब्रेरी जो कि लार्जेस्ट लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लैब है या लेबोरेटरी है, और इसके साथ साथ नॉर्थ गैलरी का भी इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश या डिस्कवर कराया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने डायरेक्टरशिप संभाली तो उसके बाद में उन्होंने जॉर्डन नाम की जो लाइब्रेरी है या लेबोरेटरी है उसको स्थापित किया, एंड नॉर्थ गैलरी को भी यहाँ पर स्थापित किया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है जॉर्ज बेंथम, जो जॉर्ज बेंथम कौन है, ये भी एक साइंटिस्ट थे या कह सकते हैं बॉटनिस्ट थे, जो कि क्यू गार्डन के बॉटनिस्ट ही माने जाते थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ में जो जोसेफ डाल्टन हुकर साहब हैं यानी JD हुकर साहब हैं, इन्होंने साथ में मिलकर क्या किया, कह रहा जॉर्ज बेंथम के साथ मिलकर फेमस जेनरा प्लांटेरम, यानी जो दोनों साइंटिस्ट हैं यानी आपके हुकर साहब और बेंथम साहब, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक बुक्स को पब्लिश किया जेनरा प्लांटेरम, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सीडेड प्लांट का क्लासिफिकेशन भी दिया था, जिसको हम लोग कॉमनली कह सकते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, जो कि हमने पहले बताया जा चुका है कि जेनरा प्लांटेरम नामक बुक में ही उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है, ठीक है। तो जॉर्ज बेंथम साहब के साथ में मिलकर इन्होंने एक बुक पब्लिश की जेनरा प्लांटेरम नाम की, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, जिसमें कि सीडेड प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा इस समय यानी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें क्यू गार्डन में, ठीक है, तो कह रहा इस समय ये गार्डन 300 एकड़ से अधिक एरिया में फैला हुआ है, यानी ये जो गार्डन है क्यू गार्डन है, ठीक है, जो कि 300 एकड़ से अधिक एरिया में फैला हुआ है, और ये किसके अंडर में आया है कह सकते हैं,
और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फूड यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रखा गया है, इसको कह सकते हैं, इसे सौंप दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फूड के अंतर्गत आता है, यानी ये जो गार्डन है ये लगभग अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये 300 एकड़ से अधिक एरिया में फैला हुआ है और मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फूड के अंतर्गत आता है। और इसमें कुछ मॉडर्न तरीके से कुछ डिपार्टमेंट्स को भी यहाँ पर बनाया गया है, तो लिखा भी मैंने कह रहा है मेन डिपार्टमेंट, इसमें मेन डिपार्टमेंट्स हर्बेरिया, लाइब्रेरीज, इकोनॉमिक म्यूजियम एंड जोड्रेल लेबोरेटरी यानी लैब एंड गार्डन ETC हैं। यानी इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज़ देने के लिए लैब, जोड्रेल लेबोरेटरी तो इसके अंदर पहले से ही थी, उसके साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक म्यूजियम हो गया, हर्बेरियम स्थापित किया गया, लाइब्रेरीज बनाई गई, गार्डन्स बनाए गए, ठीक है, अलग अलग तरीके से सेक्शंस में प्लांट्स को उगाया गया, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कैक्टेरियम जहाँ पर कैक्टस को उगाया गया, रोजेरियम जहाँ पर रोज़ का सेक्शन या वेराइटीज़, रोज़ की वेराइटीज़ को उगाना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, उसी तरीके से हर्बेरियम वगैरह भी स्थापित किया, बहुत बड़ा इन्होंने हर्बेरियम स्थापित किया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है, कह सकते हैं सरल शब्दों में अगर हम बात करें। अगला पॉइंट क्या करा करा इसके हर्बेरियम में, यानी यहाँ पर जो हर्बेरिया स्थापित किया गया है, करा इसके हर्बेरियम में 5 मिलियन से अधिक स्पेसिमेंस हैं, यानी नमूने हैं, यानी जो प्लांट्स को कलेक्ट करके, जैसे कि हमने हर्बेरियम टेक्निक्स के अंदर बताया था कि हर्बेरियम का नमूना बनाते हैं प्लांट को सुखा कर, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कितना 5 मिलियन यानी कह सकते हैं 50 लाख कह सकते हैं 50 लाख से अधिक स्पेसिमेन इसके अंदर कलेक्ट किया गया है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर प्लांट्स को देखिए इस तरीके से वहाँ पर हर्बेरियम शीट्स में लगाते हैं, आपको पता है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा भी की थी, तो इसमें लगभग 50 लाख से भी अधिक स्पेसिमेन कलेक्ट किए गए हैं। और इसके अर्बोरिटम में, अर्बोरिटम क्या है, अर्बोरिटम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बूडी प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बूडी प्लांट्स के लगभग 7000 से अधिक स्पीशीज यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है, बूडी प्लांट्स के, तो लिखा है इसके अर्बोरिटम में, तो अर्बोरिटम एक ऐसा वहाँ पर एक सेक्शन बना दिया जाता है जिसमें केवल बूडी प्लांट्स का ही प्लेस रहता है, जहाँ पर केवल बूडी प्लांट्स ही उगे रहते हैं, जर्मिनेट होते हैं कह सकते हैं। तो एर्बोरिटम में 7000 से अधिक स्पीशीज हैं, इसके ग्लास हाउस में यानी ग्रीन हाउस जिसको हम लोग कह सकते हैं, एक ग्लास का बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, तो उसको हम लोग ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। तो इसके ग्लास हाउस में 13000 से अधिक स्पीशीज हैं, कितनी है, 13000 से भी अधिक स्पीशीज पाई जा रही है ग्लास हाउस में, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गार्डन्स के कुछ व्यूज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से गार्डन है ये, जैसे कि आप यहाँ पर ये पीछे वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये ग्लास हाउस जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि बहुत बड़ा ग्लास तरीके का बिल्डिंग बनाया जाता है, और बिल्डिंग बनाने के बाद में उसमें तरह तरह के प्लांट्स को उगाया जाता है कह सकते हैं, ठीक है, रिसर्च के पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़ से। तो एक पॉइंट यहाँ पर और है जो कि मेन पॉइंट है, करा क्यू गार्डन को बोटेनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी बोटेनिकल कैपिटल यानी जितने भी गार्डन्स हैं हमारे पूरी वर्ल्ड में, तो उसमें ये सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है, संसार का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन माना जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बोटेनिकल गार्डन, जो कि शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है,